अभी बहुत तेज से बारिश शुरू हुई, कुछ भी नहीं दिख रहा है इससे बारिश शुरू हुई। अभी दिखाती हूँ मैं आपको क्यूरियस में कैसे बारिश होती है। सो मैंने पहली बार इतनी तेज़ी से बारिश यहाँ पे देखी है, वरना यहाँ पे कैलिफोर्निया में इतनी तेज़ी से बारिश कभी नहीं होती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इतनी बारिश हो रही है। और इस बारिश में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और आप देख ही रहे होंगे कि रास्ते में पानी भी बहुत सारा भर गया है सारी जगह पे। तो ऐसे तो हम आ गए शॉपिंग करके, लेकिन हमने आईके से क्या क्या शॉपिंग किया है वो हम आपको दिखाना ही भूल गए थे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम आईके से क्या क्या चीज़ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा बक्सा दिखाती हूँ, इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। तो आईके से हमने ये लिया है, ये है लंच बॉक्स। अगर हम किसी भी जगह पर ट्रैवल करके जा रहे हैं तो हमें ट्रैवल में बहुत ही काम आएगा ये चीज़, क्योंकि इसमें दो पार्ट है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, सब्जी, रोटी, राइस सी या फिर कोई भी चीज़ हो खाने की, तो आप इसमें आसानी से रख सकते हो। और ये अच्छे से बंद भी हो रहा है, तो बहुत ही काम की चीज़ लाई हम। एक डिब्बा है, और दूसरा ये है कि एक टावल लिया है चेतन के लिए, और एक मेरे लिए है, और दूसरा है ये बैग्स है। तो इसमें छोटे मोटे दो बैग्स है, एक छोटी है और दूसरी बड़ी है जिप लॉक वाली। तो ये अगर आपको कुछ भी चीज़ फ्रोज़न में रखनी है फ्रिज में फ्रोज़न के लिए, तो ये उसी के लिए हम लाए हैं। और दूसरा यही है कि हैंड ग्लोव्स है, जब बर्तन वॉश कर रहे हो या फिर कुछ भी दूसरा काम कर रहे हो किचन में, तभी ये आप पहन सकते हो, और बहुत ही काम की चीज़ है। और दूसरा ये है कि ये मैंने दो क्लिप्स का पैकेट ले लिया है, बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि बाहर अभी बहुत ही हवा चल रही है तो कपड़े मेरे उड़ रहे थे, इसलिए मैंने दो क्लिप्स ले लिए है। दूसरा ये कि ये क्लीन करने का है, वॉशरूम क्लीन करने का क्लीनर। और फिर यही है एक ब्रश था, इससे आप कुछ भी सफाई कर सकते हो इसे। और दूसरा ये बता रही हूँ अभी, ए तो ए है डिलेक्स, एक किंग साइज का है। और अगर आप विंटर सॉरी समर में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, समर में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तब ये काम आएगा, तो इसलिए हमने ये ले लिया है। विंटर में चद्दर जैसा है, एकदम सॉफ्ट है, और उसमें आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। शायद अगर आप इसको खोलोगे, इस बैग को अगर मैं खोलूँगी तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने अभी खोला नहीं है, क्योंकि वापस ऐसा पैक नहीं होगा, तो जब इसकी ज़रूरत रहेगी तभी हम खोलेंगे इसको। और दूसरा ये बड़ा वाला बक्सा ही भी आएगा। तो यही सारी चीज़ें थी, और एक और चीज़ है जो मैंने और दूसरी एक और चीज़ ली है मैंने, जो किचन में अभी सेटअप कर दिया उसका, जो स्पून वो सब वगैरह रखने के। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी मैं आईकिया से खरीद के लाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, और यहाँ पे मेरा परफेक्ट आ गया था। ये सारी चीज़ें लाए थे, और बहुत ही अच्छा स्टोर है आईकिया। तो आप अगर आपके आसपास में कहीं किसी भी जगह पे है तो आप ज़रूर जाइए और ज़रूर विज़िट कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। और मुझे स्पेशली लेना था बर्तन, लेकिन अभी मैंने वो नहीं लिया है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए अभी मैंने स्किप किया है, फिर दूसरी बार जाओगी तो ज़रूर लेगी मुझे। यस यस, तो अभी मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और बहुत ही अच्छे, तो अभी मुझे धोने हैं बर्तन, तो अभी मैं पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ। क्या चाहिए बेटा बोलो। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी सांझ के 7 बजने आए हैं, और अभी मैं बना रही हूँ रात का डिनर। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, रोटी और पालक की खिचड़ी और सिंपल खिचड़ी। तो इतनी सारी चीज़ें आज मैं बना रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। और पालक की खिचड़ी खाने में भी बहुत टेस्टी है, और हेल्थ के लिए भी बहुत सही है, और वेट लॉस के लिए बहुत सही है। तो मुझे पालक की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो मैं आज बना रही हूँ पालक की खिचड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोगों का खूब खूब स्वागत है मेरे चैनल में, एंड चलो आज मेरे देखने ब्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक वीक से बारिश हो रही है, आई थिंक एक वीक से भी ज़्यादा हो रही है। कल थोड़ा सा दोपहर तक ही सुनाया था, उसके बाद से बारिश शुरू है। और दिखाती हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेवी बारिश हो रही है, देखो कितनी बारिश हो रही है। और रात से बारिश शुरू है, बहुत ही तेज से बारिश हो रही है। अब इस साल कैलिफोर्निया में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और हर वक्त की
कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा है, क्योंकि हर वक्त कैलिफोर्निया में इतना ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार इतना बारिश क्यों हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। और आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि सैन डिएगो में बहुत ही ज़्यादा बारिश है, इससे भी ज़्यादा बारिश है, बर्कली से भी ज़्यादा बारिश है, और वहाँ पर इतना बारिश हो रहा है कि फ्लड आ गया है, लोगों के घर में पानी घुस गया है और कई लोग छत के ऊपर रह के अपना दिन गुजार रहे हैं। आ गया है कि लोगों की कार पानी में बह गई है, लोगों के घर का सामान पानी में बह चुका है और कई लोग छत के ऊपर रह रहे हैं। और आपको पता है कि यूएस में छत कैसी होती है, जो हमारे इंडिया में होती है उस टाइप का टेरेस नहीं होता है, यहाँ पे वैसे ही छत होती है, तो उसके ऊपर लोग रह रहे हैं अभी। और इतना बारिश में इतनी बारिश हो रही है कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ आपको, और मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे जो बारिश हो रही है तो वहाँ पे सैन डिएगो का क्या हाल है अभी। तो अभी लड़के को उसके पिताजी नहला रहे हैं अभी तो आज उसकी फरमाइश थी कि मम्मा नहीं मुझे पापा नहलाए। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ डॉलर ट्री क्योंकि मुझे काम है वहाँ पे। और अभी नक्श सो गया है और चेतन दोनों साथ में सो गए हैं, तो जब तक चेतन उसको संभालते हैं तब तक मैं डॉलर ट्री जाके आती हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, मैं अभी डोलात्री में पहुंच गई हूँ और अभी वैलेंटाइन आने वाला है इसलिए यहाँ पर बहुत ही सारे बलून्स आए हैं। तो चलिए मैं अपना पहले शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर आपको मैं डोलात्री दिखाती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको डोलात्री में इस बार बहुत ही सारा सामान दिखेगा क्योंकि इस बार वैलेंटाइन डे तो आ ही रहा है, लेकिन उसके पहले आ रहा है चाइनीज़ न्यू ईयर, तो आपको इसलिए इसमें बहुत सारा सामान दिखेगा और बहुत सारे लोग दिखेंगे। और लोगों को न्यू ईयर बहुत, यहाँ पे लोग न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये उसी का ही सारा सामान है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो सुबह से लेकर शाम हो गई है तो अभी मुझे टाइम मिला है और मैं और बेबी दोनों जा रही है अभी पार्क में, क्योंकि बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाई थी नक्श ने, तो आज उसका मन था कि वो साइकिलिंग करे थोड़ा सा। और अभी हम दोनों बाहर निकले हैं, लेकिन आज नहीं, वो नहीं आने वाले, चलो। सो बहुत दिनों से हम नहीं निकले थे तो आज निकले हैं, और आज ठंड भी है तो हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि हमको ठंड ना लगे, क्योंकि कान पे यहाँ पे कैप पहना है इसलिए बहुत ही कम ठंड लगेगा, लेकिन आज इतना नहीं है, कल बहुत ही ज़्यादा ठंड था। कम ऑन। और देखो यहाँ पे मैं साइकिल चला रहा है अपने आप, वेरी गुड, से हाय। तो इसको मैंने साइकिल सिर्फ दो ही बार सिखाया था, जब साइकिल लेके आए तब, और उसके दूसरे दिन, दो ही दिन मैं इसको सिखाने के लिए निकली थी और दूसरे दिन इनको आ गई थी साइकिल अपने आप चलानी। और सेम वही वाला मेरे साथ हुआ था जब मुझे पहले साइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन जब कानपुर हम आईआईटी में गए रहने के लिए तब वहाँ पे सब लोग साइकिल चलाते थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था साइकिल चलाना, लेकिन उस टाइम पे मुझे साइकिल चलानी नहीं आ रही थी, तो चेतन ने मुझे दो बार ही साइकिल सिखाने के लिए लेकर गए थे दो दिन से, और दो दिन में मैं पूरा साइकिल सीख गई थी। तो यही होता है कि जब आपको साइकिल नहीं चलानी आती थी तब आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आएगा, लेकिन आप अगर एक बार सीखने की ठान लो कि मुझे सीखना ही है और मुझे चलाना ही है, तो आपको जल्दी आ जाएगा।
फास्ट फास्ट, ओके कम ऑन। ओह नो, किक किक इट, वाओ माय गॉड। तो अभी शाम हो गई है तो अभी हम घर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन नक्श को अभी भी खेलना है, लेकिन हम सोच रहे कि अभी घर चले जाते, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम घर जाते हैं।